बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। टू क्लास, आज हमने यूनिट नंबर 13 दी सोलर सिस्टम, उसकी जो फिल इन दी गैप्स और लर्निंग इज फन है वो स्टडी करेंगे। ओके टू क्लास, पेज नंबर 60 पे आ जाएं। लर्निंग इज़ फन, तो उसका पहला है, आई एम दी ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ लिविंग थिंग ऑन इट। कहता है कि मैं जो निज़ाम शमसी के अंदर एक वाहद प्लैनेट ऐसा हूँ जिसके ऊपर जानदार चीज़ें रहती हैं, तो हमें पता है वो कौन सी, अर्थ, ज़मीन है। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर। आई एम द प्लैनेट मोस्ट सिमिलर टू अर्थ, यानी हमारी ज़मीन से मिलता जुलता जो प्लैनेट है वो कौन सा है, मार्स। आई एम द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूरज से सबसे करीब जो सियारा है वो कौन सा है, वो मरकरी है। ठीक है, उसके बाद टू क्लास पेज नंबर 61 पे आ जाएं। फिर इन दी गैप्स, आई एम द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। कहता है कि मैं सूरज से सबसे दूर वाला सियारा हूँ, तो वो है नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून जो है वो सबसे दूर है, सबसे लास्ट पे आता है सियारा। आई एम सराउंडेड बाय द रिंग्स मेड फ्रॉम आइस एंड रॉक। कहता है कि मैं कौन सा सियारा हूँ बताएं, जो कि रिंग, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक रिंग है, और वो रिंग किससे बना हुआ है, आइस और रॉक से। तो हमने पढ़ा था सैटर्न जो प्लैनेट है उसके अराउंड जो है वो एक रिंग है जो रॉक और आइस से बना होता है। आई एम द कोल्डेस्ट प्लैनेट, मैं सबसे ठंडा जो सियारा हूँ, ठीक है, उसका नाम क्या है, यूरेनस। आई एम द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, पहले हमने पढ़ा था क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, लेकिन अब जो है वो ज़मीन के सबसे करीब जो सियारा है वो कौन सा है, वो वीनस है। ठीक है, ओके टू क्लास, आपकी जो डायरी है वो भी यही है कि आप लर्निंग इज़ फन ऑन पेज नंबर 60, फिल इन द गैप्स ऑन पेज नंबर 61, आपने ये राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। ठीक है, और आपके असाइनमेंट भी यही है कि आपने जो आज फिल इन द गैप्स और लर्निंग इज़ फन हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तो आपने इनको राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।